नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज जो चल रही थी UPSC लेखपाल की भर्ती के लिए, 5200 वैकेंसी के लिए। तो आज ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें कि GK और GS के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं। देखिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी ताकि आपका भी मन लगा रहेगा देखने में। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं और सभी वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट। UPSC लेखपाल के लिए पेड टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें कि 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे और उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो पेड वाला है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप मेरी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आप देखें और वो सारे क्वेश्चन आपको मेरी वेबसाइट पे भी मिलेंगे। वहाँ से उसका लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलता है, वहाँ से जाके आप सीधा जाइए वहाँ पे और वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको रेडियो समस्थानिक दिए हैं और एक तरफ निदानात्मक उपयोग दिए गए हैं। ठीक है, मतलब किसके उपयोग के लिए ये किया जाता है। तो पहला है इसमें आर्सेनिक। आर्सेनिक किसके लिए किया जाता है, किसके उपचार के लिए? आर्सेनिक 74, तो ये ट्यूमर के उपचार के लिए किया जाता है। अगला है कोबाल्ट 60, तो कैंसर के उपचार के लिए होता है ये। आयोडीन 131, ये थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए होता है। नेक्स्ट है सोडियम 24, ये होता है रक्त व्यतिक्रम के लिए, रक्त व्यतिक्रम की उपचार के लिए होता है ये। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे हम, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, लड़ो वा और उड़ो हार्मोन कौन सा कहलाता है? तो ये होता है ऑप्शन बी एंड्रीनेलिन। एंड्रीनेलिन होता है ऑप्शन बी, यहाँ पर सही हो जाएगा। ये हार्मोन जो होता है भूख प्यास लगती है हमको, भूख प्यास कष्ट आदि जब हमको लगता है तो ये बहुत ही सक्रिय होता है हार्मोन, इसीलिए इसको यहाँ पर लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो नाम आपको याद रखना है एंड्रीनेलिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शुष्क बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बिल्कुल सही है। कैराटीन होती है मानव त्वचा के बाहर परत में पाई जाने वाला प्रोटीन होता है। मस्टर्ड गर्ल्स क्या होती है, रासायनिक युद्ध के दौरान प्रयुक्त किया जाने वाला विषैला पदार्थ है। फ्लोरिन्स जो होता है ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर, फ्लोरिन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं होता ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले कौन से हैं? एंजोला, नील हरित शैवाल, अल्फा अल्फा या नाइट्रोलियम। तो यहाँ पर सही कौन कौन से होंगे? एंजोला होता है, नील हरित शैवाल होता है और नाइट्रोलियम, ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो 1, 2 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। मेसान की खोज किसने की थी? ये की थी हिडेकी वाका ने, बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी सी डी एंडरसन एवं यूएस हेस ने, भी सही है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा इसकी खोज की थी HA बेथे ने। यूरेनियम तत्वों की खोज एरिनिका फरिमा जो दिएगा ये इन्होंने नहीं की थी, तो राइट आंसर इसमें डी वाला यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। टेफ्लान एक बहुलक है, टेफ्लान तथा डेक्रान बहुलक हैं। नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। पॉलीएथिलीन बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। तो कौन से इसमें सही हैं कथन वो आपको बताने हैं। तो इसमें सही कथन है, एक तो पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है।
टेपलान, ये तीनों सही है, बाकी चौथा वाला गलत है। तो 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा पहला इसमें। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ बांध दिए गए और एक तरफ प्रदेश दिए गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं मिलान करने वाले, ठीक है। तो फरक्का बांध कहाँ पर है, किस राज्य में? फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में है ये। घाट प्रभा बांध कहाँ पे, ये कर्नाटक में है। हीरा कुंड बांध कहाँ पे, उड़ीसा में। काकरा पार कहाँ है, गुजरात में है। तो ये मिला हुआ था यहाँ पे, डायरेक्ट रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना। एक तरफ उद्योग दिए गए, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। कौन से उद्योग कहाँ पर होते हैं, ये पूछा गया यहाँ पर। तो विशाखापट्टनम में क्या निर्माण होता है, विशाखापट्टनम में पोत निर्माण होता है। पहले को दो से मिलाएंगे। मूरी में क्या होता है, मूरी में एल्युमिनियम का उद्योग होता है। गुड़गांव में, गुड़गांव में मोटर गाड़ियाँ बनती हैं। और पनकी में उर्वरक। राइट आंसर इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें एक कथन दिया गया, एक निष्कर्ष, एक उसका कारण दिया गया है। कथन है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवात द्वारा अधिक प्रभावित होता है। और कारण है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो ये कौन सा इसमें सही है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या, यानी कि दोनों ही है सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूमंडलीय उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? विश्व में संपर्क बेहतर हो गए हैं, हिमनद पिघलने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगी है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। तो इसमें तीन जो ऑप्शन देंगे लास्ट वाले, दूसरा तीसरा चौथा, यही सही है यहाँ पर राइट आंसर। हिमनद पिघलने लगे हैं, समय से पूर्व आम में बौर आने लगी है, स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो यही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिकेतर अधिकार क्या होता है, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो होता क्या है, वह शक्ति जो संविधान में संविधान सम्मत नहीं है, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो उसको बोलते हैं संवैधानिकेतर अधिकार। जैसे कि भारत में योजना आयोग है, ये एक संवैधानिकेतर निकाय है, जबकि वित्त आयोग है वो संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक संस्था है। तो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है वो संवैधानिकेतर अधिकार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण किसको प्राप्त है, ये पूछा गया यहाँ पर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाहारी को प्राप्त है, ऑप्शन सी में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, किस घाटी में? शांत घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी या सुरमा घाटी? तो सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है ये शांत घाटी में। शांत घाटी है कहाँ? शांत घाटी केरल में है, ठीक है, साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। भारत की नगरीय जनसंख्या में वार्षिक घाती वृद्धि दर उच्चतम थी, ये किस दौरान थी, ये पूछा गया है। तो ये थी 1961 और 1971 के दशक में सबसे अधिक ग्रोथ रेट थी जनसंख्या में। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, ये कथन किसके हैं, किसने ये चीज बोली थी? तो ये कहा था असफाउल्लाह खान ने, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था?
तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं दो। पहला कथन, कथन दिया गया महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1950 में चलाया गया। 1950 नहीं, यहाँ पे 1930 कर लेना, ठीक है, 1930 में चलाया गया। कारण क्या है? महात्मा गांधी का उद्देश्य था गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो। तो इसमें कौन से सही है, कौन सा गलत है? तो उसमें राइट आंसर ऑप्शन सी इसमें से हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, ठीक है, और आर ए की ए सही है और आर गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का क्या तात्पर्य था? तिनकटिया प्रथा थी चंपारण जनपद में, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था किसानों द्वारा 3/20 भू भाग पर नील की खेती करना, ये अनिवार्य था वहाँ पर। तो तभी चंपारण आंदोलन किया था गांधी जी ने, सत्याग्रह किया था 1917 में। 3/20 मैंने ये 20वें हिस्से अगर खेत का है तो आपको 3 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य है, इसको तिनकटिया पद्धति भी कहते थे। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो किस किस को मृत्युदंड दिया गया? तो ये दिया गया था गुरु हरगोविंद को और गुरु तेग बहादुर को। गुरु हरगोविंद नहीं है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, इन दो लोगों को दिया गया था। नहीं, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर। अर्जुन देव को दिया गया है और गुरु हरगोविंद को दिया गया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी की सजा दी थी, और जबकि गुरु तेग बहादुर थे, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी की सजा बनाई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरा और चौथा होगा, ठीक है, हरगोविंद अर्जुन सॉरी तीसरा और चौथा, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी, कारण क्या थे सिकंदर की सफलता के भारत में? तो इसके कारण थे, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है, उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है, उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी, बिल्कुल सही है। तो 3 ऑप्शन ये सही है, ऊपर वाले 1, 2, 3 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? जो संगीत के विरुद्ध था वो बताना है, तो वो थे नक्शबंदिया। नक्शबंदिया सिलसिला संगीत के विरुद्ध था। भारत में इस पंथ की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी 17वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? जो ओपेक का सदस्य नहीं है वो है चीन। ओपेक कौन सी संस्था होती है? पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक कहलाता है, ठीक है, इसमें 11 सदस्य, इसका मुख्यालय वियना में है। निम्न से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है सल्फर, SO2, ये CFC, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन होती है, उत्तरी ओजोन होती, ठीक है। भारत में तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन से हैं? तो तृतीयक क्षेत्र में व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, वानिकी और मत्स्यिकी कौन कौन से हैं? तो इसमें है फर्स्ट और सेकेंड, व्यापार और परिवहन, वित्त और वास्तविक स्थावर संपदा, ये तृतीयक क्षेत्र में शामिल हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपने देखे, बहुत ही क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं।
और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।